है तो 25-25 किलो जो है अगले 6 महीने तक उन लोगों को राशन देने की बात की जाए। लेबर्स लॉ के जो चेंजेस जो हो रहे हैं उसका हम लोगों को विरोध करना होगा, और खास तौर पे मेरे ख्याल से यूपीए का जो काम रहा है मनरेगा और राइट टू फूड स्कीम, उसको हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज करने की जरूरत है। अब जो लॉ लेबर जो है वो काम उनका नौकरी छूट गया, वो वापस बिहार आ रहे हैं, अपने प्रदेश वापस आ रहे हैं, तो वो क्या करेंगे? तो मनरेगा जैसे जो योजनाएं थी उनकी जॉब्स अपॉर्चुनिटी जो है स्पेशली जनरेशन में, स्पेशली फॉर द रूरल, हम लोगों को इस पे भी सरकार को घेरना चाहिए और डिमांड करना चाहिए। और बीजेपी का जितना भी फेलियर रहा है उसको हम लोगों को एग्रेसिवली एडवर्टाइज करना पड़ेगा, जो सच्चाई है। अब हम कैसे कम्युनिकेट करेंगे? मैडम सोनिया जी हैं और सभी 22 पार्टी के लीडर्स यहाँ बैठे हैं। वी शुड कम विथ अ एक्शन प्लान, एक अच्छा बड़ा आगे का भी प्लान बनाने के, क्योंकि ये पता नहीं कब तक ऐसा चलता रहेगा। और बीजेपी की जितनी चीजें हैं उसको हम लोगों को फेलियर्स को लगातार एग्रेसिवली गिराने का काम करना है, और ज्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि सारी बातें जो है मोटा मोटी आप लोगों के बीच आ गई है। और मैं स्पेशली धन्यवाद दूंगा सोनिया मैम को कि आपने मीटिंग ऑर्गेनाइज की, और मैं चाहूंगा कि ये फ्रिक्वेंटली जो है ये होता रहे। एज पर राहुल गांधी जी हैज सेड कि ये स्टेट लड़ रहा है, डिस्ट्रिक्ट लड़ रहा है, तो इट विल बी बेटर कि हम जैसे रीजन्स पार्टी जो है उनसे भी राय मशवरा लें, क्योंकि हम लोग स्टेट को सारी चीज़ों को अच्छे से जान रहे हैं, देख रहे हैं। हमारे भी पंचायत बूथ तक जो लोग हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो सब लोगों के सामने आए, शेयर करें, और एक्चुअल जो पोजिशन है गाँव की वो हम लोग जो है बात करके सिचुएशन को उस हिसाब से आगे का कोर्स हम लोग डिसाइड करें। बहुत बहुत धन्यवाद बहुत सभी लोगों का। बहुत धन्यवाद तेजस्वी जी। अजमल जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, माफ कीजिए। बेरोजगारी की जो स्थिति है, अब लेबर, अब इकोनॉमी कैसे बूम करेगा? जो बिहार के लोग हैं हम लोग सब लोग ग्राउंड में हैं, हमारे पूरे वर्कर्स ग्राउंड में हैं, जो क्वारंटाइन हो रखे हैं उनसे लोग जो है संपर्क में हैं, और जो लोग घर जा रहे हैं क्वारंटाइन के बाद उनसे भी लोग हमारे संपर्क में, वो कहते हैं हम नहीं जाने वाले काम करने। हमको बिहारी को बोलता है कि हमको गाली देता है कि बिहारी बीमारी लेके आएगा, उनको लाठियां जहां खाना चाहिए वहां लठ मिल रहे हैं उनको, तो कहां से बिहारी जो एकदम नहीं जाना चाहता। फैक्ट्री नहीं चलेगा, कारखाने नहीं चलेंगे, इंडस्ट्री कैसे चलेगा जब लेबर जो है अगर वही जो श्रमवीर है अगर वही जाके अपने अपने जगहों पे अगर काम नहीं करेंगे तो किस प्रकार से हम लोग जो है इंडस्ट्री बूम करेगा या इकोनॉमी की बात करेंगे? अगर वी विल ट्रीट देम लाइक दिस जैसे कि कोई दूसरा दर्जे का नागरिक हो, वैल्यू ही नहीं उसकी, जान की कीमत 4 लाख रुपए, मर गया 4 लाख रुपए दे दो भैया खत्म बात। अगर हम लोग, ये सही वक्त है, अभी देखिए बिहार में हम लोग इलेक्शन जो है वो नजदीक है, अब पता नहीं, अब मैं बातें कर रहा हूं हालांकि ये बात फिजिबल है। हम लोग जो है एक, सभी लोगों ने अपनी बात को रखा, सब लोगों ने कहा कि हम लोगों को एक्शन करना पड़ेगा। व्हाट्स द नेक्स्ट प्लान, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट विल बी द नेक्स्ट एक्शन? सो आई वांट टू सजेस्ट वी शुड गिव द सॉल्यूशन फर्स्ट टू द गवर्नमेंट। हम अपने आइडियाज दे और उस आइडियाज को हम जो है पूरी तरीके से एडवर्टाइज करें, किसी भी स्टेप पे, मतलब कोई भी हम लोग उपाय कर सकते हैं, हर एक उपाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्टाइज करें। अगर सरकार नहीं मानती है तो उसके बाद हम लोग बैठ करके वी कैन डिसाइड। अभी हम